नमस्कार, मैं खेसारी लाल यादव और आप सब ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। खेसारी भाई पे हमेशा जो है गाना चोरी का इंजाम लगता है और खेसारी भाई को हमेशा टारगेट भी किया जाता है कि खेसारी भाई गाना चोर है, वो गाना चोरी करके गाते हैं। तो भैया यहाँ पे एक आज रिपोर्ट लेके आया हूँ कि भैया पवन सिंह भी दूध के धुले नहीं है, क्योंकि पवन सिंह का गाना ऐसा आज से दो दिन पहले साटा का पैसा, जिसमें शिल्पी राज और पवन सिंह मिलकर गाना गाए हैं। अब भैया सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि पवन सिंह अपने आप को ब्रांड बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि अभी भी हम किसी का गाना चोरी करके नहीं गाते हैं। तो भैया बता देना चाहते हैं, साटा का जो पैसा है, साटा का पैसा जो गनवा है, वो गनवा किसी छोटे स्टार का टाइटल का टाइटल ही चोरी कर लिए हैं, पूरा टाइटल ही चोरी कर लिए हैं। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे कलाकारों का टाइटल जो है पवन सिंह भी चोरी करते हैं। तो भैया सिर्फ खेसारी भाई पे ही टारगेट ना किया करो, अपने स्टार पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि गाना चोरी जो है सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, बॉलीवुड में है, साउथ में है, बहुत से जगह पे गाना चोरी चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि भोजपुरी में कुछ ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे भाई स्टार बनने के लिए लोग कहाँ तक गिर सकते हैं आप सब लोग सोच ही सकते हो। और बता देना चाहता हूँ, खेसारी भाई ही सिर्फ गाना चोरी नहीं करते यार, गाना चोरी नहीं किया जाता है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे गाना बनाना बोला जाता है। जिस पे जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे जब गाना आता है तो सबको ये होता है कि भैया इस पे खेसारी भाई का गाना है तो मज़ा आ जाता है। तो खेसारी भाई का बहुत से बार गाना आया है ट्रेंडिंग टॉपिक पे यार। और एक बात बता देता हूँ, अगर सबसे बड़ा कोई चोर है तो वो तो रितेश पांडे है, क्योंकि हेलो कौन जितना सुपर हिट गाना है वो तो भैया एक क्लिप था, हेलो कौन मोबाइल में बोल रहा था, उसको भी चोरी करके गाना बना दिए, लॉकडाउन पे गाना बनाए। तो ये गाना चोरी नहीं होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे गाना बनाना होता है। और यहाँ पे तो पवन सिंह भी हद कर दिए ना भाई, वो तो दूध के धुले नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी जो साटा का पैसा जो टाइटल है वो किसी का चोरी किया है ना, उस गाने का नाम दूसरा भी तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखे। और भाई देखो मुझसे भाई रहा नहीं जाता, क्योंकि हमेशा जो है खेसारी को ही टारगेट किया जाता है। खेसारी भाई का इश्क गाना आया था तो बोले छोटे कलाकार का गाना चोरी करके गाया है, ऐसा किया है वैसा किया है, जो कि फुल्ली गाना होता ही नहीं है। और बात मैं बता देना चाहता हूँ, खेसारी भाई का एक दूसरा भी गाना चल रहा है जिसका नाम है क्या नाम है यार, भूल जाता हूँ, गाना का नाम भी भूल जाता हूँ, अभी जो कल वो म्यूजिक से आया है। तो ये भी गाना जो है ज़बरदस्त गाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लिरिक्स देखा जाए तो दूसरे गाना से मैच करता है, ये गाना यही है, ठीक है। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टार को पहले चोर बनाने से पहले खुद को तो देख लिया करो कि भैया मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसी दूसरे को चोर बोलने से पहले खुद के अंदर तो देख लिया करो कि मैं चोर हूँ कि नहीं हूँ। और यही एग्जैक्टली होता है भोजपुरी में, क्योंकि खेसारी भाई के गाना बहुत से छोटे छोटे स्टार ने चुरा चुरा के गाते हैं। अभी चेक किया जाए ना तो एक गाना जो खेसारी का आता है तो उस पर लगभग हजारों लोग उसी टाइप का गाना बना देते हैं। तो ये गाना चोरी नहीं हुआ, क्योंकि वो छोटे स्टार हैं, वो लोग गा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा स्टार किसी छोटे के स्टार का कोई थोड़ा सा टाइटल भी चोरी कर ले तो वो चोर हो गया, वो भोजपुरी का सबसे बड़ा चोर हो गया। और यही जो है खेसारी भाई के साथ हमेशा होता है। यहीं पे भाई यही मैं साबित करना चाहता हूँ, अगर खेसारी भाई चोर हैं तो यहाँ पे दूध के धुले कोई भी नहीं है। एक बार किसी कोई ना कोई सामने यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है गाना चोरी करके ना गाए, निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी, चिंटू जो भी हैं सब लोग गाना चोरी करते हैं। तो भाई मेरा कहना मतलब यही है कि कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वीडियो को दबा के शेयर मारो, बाकी वीडियो को सारे जगह पे अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दो। चलते हैं आज की वीडियो में, इतने हैं उससे पहले चैनल को जो है दबा के सब्सक्राइब कर लो, चलते हैं।